हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हेन थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ग्रेटर बाई 7 देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। आपसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हेन थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ग्रेटर बाई 7 देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस का इक्वेशन बताना है, जबकि जो कंडीशन आपको दी गई हैं उसको आपको पहले तो क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, आपको बताया गया था कि इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बताया गया था कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे। रफ डायग्राम के बाद, रफ डायग्राम बनाने के बाद जो रिस्ट्रिक्शन दी गई उसको उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए ग्राफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए बात हो रही है किसकी, यहां पे लोकस ऑफ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट यानी लोकस का जो इक्वेशन बनेगा उसकी बात हो रही है। व्हेन थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज ग्रेटर बाय 7 देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टिजियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हम कार्टिजियन प्लेन बना ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्टिजियन प्लेन बना लिया गया है। सबको मालूम है ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। तो इसको ओरिजिन लिख ले रहे ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे, आपको इक्वेशन ऑफ लोकस बताने के लिए, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आपको बताया गया था, तीन स्टेप बताए गए थे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा था, पहले तो जो मूविंग पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, पी एच कॉमा के ले लेंगे। तो यहां पर देखिए, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम मूविंग पॉइंट पी ले ले रहे, कहीं भी ले ले रहे, मान लीजिए चलो यहां ले ले रहे, ये मूविंग पॉइंट हमने ले लिया क्या, पी ले लिया। ठीक है, मूविंग पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एच कॉमा के लेंगे, आपको बताया गया था। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, यहां पे देखिए पी एच कॉमा के यानी एक्स की वैल्यू एच है, वाई की वैल्यू के है। तो यहां अगर पी से हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पे यहां हम अगर एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं, देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू होता है ना कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहां पे हमने पॉइंट पी से क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला यानी कि एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, यहां एक्स की वैल्यू क्या है, यहां देख लीजिए एच है, एक्स की वैल्यू एच है ना, तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी एच, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस पे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, यानी एच कॉमा जीरो आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या ले लें, चलिए इस पॉइंट को हम ले ले रहे हैं क्या ले लें, बी ले लेना, चलिए इस पॉइंट क्या ले लें, बी कहां ले ले, पॉइंट ही लिख ले रहे, पॉइंट को हमने ले लिया क्या, बी, चलिए पॉइंट को बी ले लिया, कोऑर्डिनेट आया क्या, एच कॉमा जीरो। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट पी से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पी से जो मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या है, एक्स कॉमा वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका के, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो वहां पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी आ जाएगा ये जीरो कॉमा के, होता है कि नहीं होता। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, तो यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो कॉमा के, और वाई की वैल्यू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच है, और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, वाई की वैल्यू क्या है, के है, वाई की वैल्यू क्या है, के है, और यहाँ पे एक्स क्यों जीरो हो गया, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे देखिए वाई क्यों जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ये सब जानते हैं हम। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हमने ले लिया, इसको पॉइंट बी लिया, इसको पॉइंट ए ले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट ले ले रहे हैं ए, पॉइंट ए ले लिया, ये क्या आया था, जीरो कॉमा के, जीरो कॉमा के। चलिए अब जो मूविंग पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट पी, उससे हम डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, पहले यहाँ बीपी निकाल लेते हैं, फिर एपी निकाल लेते हैं, बीपी एपी। ठीक है, चलिए यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे हम एपी बीपी, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं बीपी, निकाल लेते हैं बीपी, तो बीपी निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस, यानी बीपी निकालना है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आप बीपी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, है ना।
चलिए निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से बीपी निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको बीपी तो ये एक्स वन या इसे यहाँ से ले सकते हैं बीपी पीबी कुछ भी लीजिए इसे ले लीजिए आप एक्स वन वाई वन किसी को भी ले सकते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू चाहे इसको ले लीजिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कोई दिक्कत नहीं किसी को भी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ले सकते हैं। चलिए फॉर्मूला हमने लगाया एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी एच माइनस एच का होल स्क्वायर एच माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी जीरो माइनस के का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एच माइनस एच यानी जीरो का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस के का स्क्वायर कितना आ गया है माइनस के का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर यानी आ जाएगा के यूनिट कितना आ गया के यूनिट आ गया। ठीक है बीपी बीपी की डिस्टेंस कितनी आई के यूनिट। अब इसके बाद बीपी निकाल लिया आपने इसके बाद एपी निकाल लीजिए। चलिए हम निकाल लेते हैं क्या एपी एपी निकालेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पे भी है ना एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं क्या एपी तो किसी को भी ले सकते हैं चाहे इसको एक्स वन वाई वन मान ले और इसको एक्स टू वाई टू मान ले रहे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है चलिए यहाँ पे भी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी कि एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी के माइनस के का होल स्क्वायर के माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको तो एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस के माइनस के यानी जीरो का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर यानी कि कितना आ गया एच यूनिट आ गया। ठीक है तो एपी डिस्टेंस कितनी आ गई एच यूनिट बीपी कितनी आई बीपी आई है आपकी के यूनिट और एपी आई है एच यूनिट। ठीक है अब एपी को हम कहेंगे क्या देखिए जैसे मान लीजिए एपी बीपी निकाला तो बीपी है क्या बीपी के यूनिट है बीपी है क्या देखिए बीपी बीपी यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ देखिए ये डिस्टेंस जो है ये वाली जो डिस्टेंस यानी बीपी या पीबी ये क्या है पॉइंट पी से देखिए पॉइंट पी जो है पॉइंट पी जो आपने लिया है वो कहाँ है एक्स एक्सिस से दूरी पर है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में ना यानी जो पीबी डिस्टेंस है या जो बीपी डिस्टेंस है वो क्या उसको हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जो एपी डिस्टेंस है एपी या पीए डिस्टेंस जो है उसको क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बिल्कुल सिंपल सा आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है ना एक्स एक्सिस तो यहाँ पे पॉइंट पी हमने लिया है मूविंग पॉइंट पी लिया है तो पॉइंट पी देखिए कहां पे है ये एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस से यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है बीपी या पीबी ये क्या है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें पॉइंट पी की तो ये कहां से डिस्टेंस है वाई एक्सिस है ना ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कहां से वाई एक्सिस से है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कहां से एक्स एक्सिस है तो इसको बोलेंगे इस वाली लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है चलिए अब यहां पे देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ये आपका आ गया यही लिख ले रहे हैं हम इधर ही लिख लिया देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखिए ले ले रहे हैं। चलिए क्या ले ले रहे हैं आप यहां ले लें चलिए यही ले ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हेन थ्राइस थ्राइस यानी तीन गुना थ्री टाइम्स थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस है ना थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पहले ये देख लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन सी होगी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन सी होगी ये वाली बीपी ये वाली एपी कौन सी होगी बताइए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये लेंथ होगी यानी एपी वाई एक्सिस देख रहे हैं वाई एक्सिस यही तो है और यहाँ पे देखिए पॉइंट पी जो है वो कहां से इस वाई एक्सिस से दूरी पर है ये पॉइंट पी जो है ये वाई एक्सिस है इससे डिस्टेंस पे यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब ये वाली डिस्टेंस यानी एपी यहाँ पे चलिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कह रहे हैं देखिए व्हेन थ्राइस द डिस्टेंस व्हेन थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पहले देखिए यहाँ थ्राइस यानी थ्री टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब ये वाली डिस्टेंस यानी एपी तो लिख लिया एपी है ना एपी इज इक्वल टू फिर आगे क्या बोल रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस यहां तक हो गया पहले आगे इज ग्रेटर बाई सेवन इज ग्रेटर बाई सेवन देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन सी है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताइए इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी बीपी ये है बीपी तो इसको हम लिख लेंगे बीपी यहां देखिए लिख लिया हमने बीपी और ये क्या कह रहा है
यहाँ देखिए इज ग्रेटर बाय 7 देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उससे कितना ग्रेटर बाय 7, इससे 7 ग्रेटर है तो प्लस 7। चलिए अब 3 टाइम्स एपी है तो 3 टाइम्स एपी का मतलब 3 टाइम्स एपी, एपी डिस्टेंस कितनी आई थी, एपी हमने निकाला था, एपी आई थी एच, तो ये हो जाएगा एपी की जगह हम क्या रख देंगे एच, तो 3 टाइम्स एच हो गया। बीपी क्या था, बीपी आपने निकाला, देखिए बीपी आया के, तो बीपी के लिए क्या रख देंगे आप के रख देंगे, आगे क्या है प्लस 7 है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 3h इज इक्वल टू के प्लस 7। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गया, अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या कह रही थी, लोकस ऑफ इक्वेशन बनाने का लास्ट स्टेप क्या था कि जो इक्वेशन मिलेगा उसमें आप एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, यानी एच की जगह एक्स और वाई की जगह के, सॉरी आप एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, यानी एच की जगह एक्स लिख देंगे और के की जगह वाई लिख देंगे, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई। चलिए यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 3x, एच की जगह क्या एक्स और वाई और के की जगह वाई, वाई रख दिया, ये इक्वेशन आ गया आपका, यानी इक्वेशन आया 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, जब भी स्टेटमेंट जो दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे, रफ डायग्राम बनाने के बाद एक पॉइंट ले लेंगे जो मूविंग पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट उसको हम क्या लेते हैं पी, उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे एच कॉमा के, उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन है जो कंडीशन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब रिलेशन आ जाएगी एच और के की फॉर्म में रिलेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ देखिए एच और के की फॉर्म में रिलेशन आ गई, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देंगे, एच की जगह एक्स लिख देंगे और के की जगह वाई लिख देंगे, इतना सा है, बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो बताया लोकस क्या होता है और इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है वो समझ में आ गया तो कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको।